पिछले पार्ट में आपने देखा। ये क्या भैया, हम लोग घर कैसे जाएंगे? ओए मुन्ना पता नहीं, ये देख लगता उन्हें पता चल गया था कि इसी पोर्टल से वो लोग आए हैं। देखोगे तो नामी निशान मिट गया। हमारे वेदर बॉस ने तो उसको चकनाचूर कर दिया, वो भी प्रेम से। ड्रैगन के वर्ल्ड को चलाने वाला ओनली एक ही बॉस है, वो भी हमारे वेदर बॉस, और उनके अलावा कोई हो भी नहीं सकता। क्या रे भाई लोगो, क्या कर रहे हो फालतूगिरी? वहाँ पर कुछ ड्रैगन देख गए हैं, चलो जल्दी से उन पर हमला करना है। ये भैया मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। और मुन्ना क्या कर रहा है, बेवकूफी क्यों कर रहा है? ये लोग बहुत सारे हैं और ये ड्रैगन है, हम लोग को एक कच्चा चबा जाएंगे। क्या बात है ड्रैगो, मुझे लगा था तुम मर चुके हो, लेकिन ये अफवाह आखिरकार सची हुई, तुम जिंदा हो। मालिक वो यहाँ क्या कर रहे हैं? उनको बचाना पड़ेगा। ए ड्रैगो यार तुम जिंदा हो? मालिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से निकलते हैं। ए ड्रैगो, क्या तुम हमें उस पावर तक पहुँचा सकते हो क्या? बिल्कुल मालिक, अगर इस दुनिया को खतरा है तो मैं भी आपका साथ दूंगा इस दुनिया को बचाने के लिए। ड्रैगो यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम तो मारे ही जाओगे और साथ में तुम्हारे दो दोस्त भी मारे जाएंगे। मालिक लगता है अब हम लोग चारों तरफ से फंस चुके हैं। और अब आगे की कहानी। क्या बात है, लगता है ड्रैगन वर्ल्ड में सभा लगी हुई है। क्या बात है भाई, आज तो तुम ड्रैगन ने मेरा दिल ही जीत लिया। अरे मालिक, अगर हम आपकी सेवा भी न कर सके तो हम किस काम के ड्रैगन। अरे आज तो तुम लोगों ने मेरे को बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया। अरे मालिक, मैं तो कहता हूँ आज तो ड्रैगन वर्ल्ड में जश्न का माहौल बनना चाहिए, वो भी प्रेम से। अरे क्यों नहीं भाई, ड्रैगन के आने की खुशी में जश्न तो होना ही चाहिए। तुम लोगों मुझसे बैर है ना, मेरे मालिक को छोड़ दो, उनका क्या तुमसे बैर, वो तो तुमसे कितने छोटे भी हैं। अरे ऐसे कैसे भाई, छोटा पैकेट ही तो बड़ा धमाका होता है ना। अरे मालिक मैं तो कहता हूँ उनको मेरे हवाले छोड़ दो, मैं उनको कच्चा चबा जाऊंगा। अरे ऐसा कैसे, जो बटेगा सब में बटेगा, वो भी प्रेम से। अरे जरा रुको भाई, अभी तो हम लोग को ड्रैगो से हिसाब चुकता करना है, उनको तो बाद में भी देख सकते हैं। अगर मेरे मालिकों का कुछ भी हुआ ना, मैं तुम लोग का छोड़ूंगा नहीं, गन्ना चूस कर। अरे ड्रैगो तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तू हमारे सबसे शक्तिशाली मालिक के कैद में है, फिर भी तू हम लोग को मारने की बात कर रहा है। अरे भाई बोलने दो बोलने दो, अब हम लोग बोलने से तो किसी को रोक नहीं सकते ना। मालिक मुझे आप एक बार आदेश दीजिए, मैं इसका मुंह ही उखाड़ कर फेंक देता हूँ, ताकि कुछ बोलने लायक ही न रह जाए। अरे ऐसे कैसे भाई, हम लोग ड्रैगो से तो कभी भी नहीं बढ़ सकते है, लेकिन उनके सबसे पहले साथियों को ही देख लेते हैं ना। मालिक को अगर किसी भी ड्रैगन ने छुआ भी तो मैं उसका सर उखाड़ कर फेंक दूंगा। अरे ड्रैगो ऐसा उन बिल्लों में है क्या, जो तुम हम सभी ड्रैगन से लड़ रहे हो, वो भी प्रेम से। मोजीज़, तुम जैसे बेवकूफ ड्रैगन को कभी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि तुम ड्रैगन को तो बस तबाही करना आता है और सभी के वर्ल्ड में राज करना आता है। अरे ड्रैगो तुम तो भड़क गए, वो भी प्रेम से। अरे भड़कने दो भाई, कब तक भड़केगा। अरे मालिक उनको छोड़िए ना, हम लोग को कैदियों पर ध्यान देना चाहिए। अरे ध्यान क्या देना है भाई, आज किसे भूख लगी हुई है, जल्दी जल्दी बताओ कि आज वो रेसिपी में क्या खाना चाहते हैं। मैं तो बिल्ला बिरयानी खाना चाहूंगा माले, वो खाने में बहुत टेस्टी होती है। क्या बात है भाई, और भी कोई है क्या? अरे मालिक मैं तो कहता हूँ उनको कच्चा ही चबा जाते हैं, क्योंकि इसमें रेसिपी बनाने का झंझट भी नहीं रहेगा। क्या बात है भाई, आज तो सभी लोग यहाँ पर अपने अपने मेन्यू शेयर कर रहे हैं। ड्रैगो तुम्हें भी कोई मेन्यू बताना है क्या, तो जल्दी बता दो। तुम लोग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर मेरे मालिक को कुछ भी हुआ तो तुम लोग की खैर नहीं। अरे ड्रैगो इसके लिए तो तुझे बाहर आना पड़ेगा, इन चार दीवारियों के बाहर, तभी तो कुछ न कर पाएगा, वो भी प्रेम से। नहीं तो ऐसे ही अंदर से ही बोलते रह जाएगा और कुछ कर भी नहीं पाएगा, वो भी प्रेम से। अरे भाई ड्रैगो तुम चिंता मत करो, वो जहाँ भी है सेफ ही है, और अगर बाहर आए तो उन्हें कच्चा चबाने में रोका भी नहीं जाएगा। हे भैया यार, ये पता नहीं कहाँ फंस गए यार, इस जेल से भैया निकलने का कोई तो रास्ता निकालिए ना। ओए मुन्ना मैं कैसे निकालू, मेरा दिमाग तो इस समय और भी नहीं चल रहा। ओए एक तो भैया इन ड्रैगन्स ने हम लोग का आर्मर पिकैक्स तलवार वगैरह सब कुछ छीन लिया यार, अब तो यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा। ओए मुन्ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुन्ना अपना ड्रैगन भी तो खतरे में होगा ना। हाँ भैया वैसे बात तो सही कही, इसलिए भैया हम लोग को यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा यार। ओए जल्द से जल्द कैसे निकलेंगे, पगला गए हैं क्या, हम लोग को यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। मेरे पास तो ओनली 2.5 किलो का हाथ है, दिमाग तो मेरा चल ही नहीं रहा। ओए हे यार भैया दिमाग मुझे ही चलाना पड़ेगा, कुछ तो करके यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही काम ना, मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है। हे भैया आपको घुटन की पड़ी है यार, मुझे यहाँ से निकलना है, और भैया मुझे अगले सुपर एटलस की पावर को ढूंढना है यार, क्योंकि भैया उससे ढूंढना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
वो मुन्ना तुझे पता है ना, वो पावर ड्रैगन वर्ल्ड में ही है और इस समय हम लोग ड्रैगन वर्ल्ड में ही है। ओ ये क्या, यह तो रॉटन फ्लैश रखा हुआ है खाने के लिए, खा लेता हूँ। हे यार भैया, आपको भूख की पड़ी हुई है? ओ मुन्ना क्या करूँ, मुझे भूख लगी हुई है। हे भैया, तो रॉटन फ्लैश खाएंगे जिससे भैया भूख और भी बढ़ जाएगी यार बाद में। ओए मुन्ना, अभी फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया इसको रखे यार, और यहाँ से निकलने का कुछ तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ओए मुन्ना बिल्कुल सही कहा तूने। ओए मुन्ना एक मिनट, वो देख सामने एक और जेल है, और भैया उस जेल में एक और ड्रैगन मुझे दिख रहा है यार, जो कि भैया बंद किया गया है। ओए वो कौन हो सकता है? पता नहीं भैया, लेकिन देखिए उसे भी जेल में कैद किया गया हमारी तरह। और लेकिन वो तो ड्रैगन है ना, उसको क्यों जेल में रखा गया है? भैया यार होगा ना कुछ रीजन होगा। और भैया आप तो जानते हैं ना, ड्रैगन ड्रैगन के भी दुश्मन होते हैं, जैसे भैया ड्रैगन के काफी सारे दुश्मन थे। और बात तो वैसे तूने सही कही। ओ ये जेल टूटेगी कैसे यार, 2.5 किलो का हाथ भी नहीं काम आ रहा। ओ तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ओ टूट जाना जल्दी से। कम से कम कुछ खाने को दे दे दिल्लू को, दिल्लू ने कितने दिनों से नहीं खाना खाया। ओ दिल्लू एक मिनट, ये तो ड्रैगन का दोस्त है ना? हाँ भैया आपने सही कहा यार। ए दिल्लू यार इधर देखो यार, हम लोग है यार ड्रैगन के दोस्त। तुम लोग ऑगी जैको क्या? ओ बिल्कुल सही कहा, मैं जैको और ये मेरा भाई ऑगी है। ओए हमें पहचाना कि नहीं? लेकिन तुम यहाँ कैसे फंस गए? हे दिल्लू यार बहुत लंबी कहानी है यार। लेकिन ड्रैगन कहाँ पर है? हे यार दिल्लू, ड्रैगन भी यहीं पर कहीं फंसा हुआ है यार, लेकिन हम लोग को पता नहीं क्योंकि हम लोग खुद ही फंसे हुए हैं। हे भैया कुछ ना कुछ करिए यार। ओए मैं क्या कर सकता हूँ बस इसको तोड़ने के अलावा। एक मिनट, ये क्या यार टूट रहा है? हाँ भैया, तो अपने 2.5 किलो के हाथ का कमाल दिखाइए ना, जो आज तक काम नहीं आया। ओए क्या बात कर रहा है। हाँ भैया मतलब काम आ जाएगा। तोड़िए भैया इसको, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए। ओए बिल्कुल सही कहा मुन्ना, ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ओए जल्दी टूट जाए। बिल्लू तो टेंशन मत ले, जैक आ रहा है तुझे बचाने के लिए। ओए तुम तोड़ सकते हो जैक, जल्दी आ जाओ। ओए रुक जा, मैं इसे तोड़ दूंगा। लेकिन भैया यार यहाँ से भागना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए भैया एकदम संभल के काम करना पड़ेगा। ओए ये क्या, अभी नहीं जा पा रहा, नीचे वाले को तोड़ना पड़ेगा। हाँ भैया तोड़ दीजिए यार, जल्दी तोड़े यार, नहीं तो भैया पता नहीं ड्रैगन किस मुसीबत में होगा। ओए तोड़ी तो रहा मुन्ना, अभी 2.5 किलो का हाथ इतना जल्दी में नहीं चल रहा क्योंकि बहुत भारी हाथ है ना। हे भैया यार तोड़िए, बात करने में टाइम मत वेस्ट कीजिए। ओए तोड़ी तो रहा हूँ, अब कैसे तोड़ू? ओए टूटने वाला है। हाँ भैया बहुत बढ़िया यार, थोड़ा सा बचा है। ओए ये टूट गया, और ये बस थोड़ा सा बचा है, और ये ले मुन्ना टूट गया। हे भैया बहुत बढ़िया यार, चलिए अब तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। ओए मुन्ना संभल कर। हाँ भैया एकदम संभल कर। हे दिल्लू लेकिन तुम यहाँ पर कैसे फंसे यार? ड्रैगन वार के दौरान मैं ड्रैगन के साथ ही था, लेकिन इन ड्रैगन ने मुझे ढूंढ निकाला और मैंने ड्रैगन को जाने दिया। लेकिन दिल्लू यार ड्रैगन फिर से फंस गया, वो भी हमारी वजह से। हे भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ओए मुन्ना लगता है वो ड्रैगन हमारी तरफ ही देख रहा है। हे भैया वो हमें अभी नहीं देख पाया, टेंशन मत लीजिए। ओए इधर क्या है मुन्ना? हे भैया पता नहीं, लेकिन भैया ये जो उड़ रहा है इसे हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं। ओए चल मुन्ना हमें अपने पहले सामान ढूंढना पड़ेगा। ओए वो किधर होगा? हे भैया मुझे क्या पता यार। हे दिल्लू यार तुम कितने दिनों बाद मिले? मुझे भी मिलकर खुशी हुई है, मुझे भी यहाँ से निकालो। हे दिल्लू तुम टेंशन मत लो यार, हम लोग निकाल लेंगे। ओए मुन्ना चल इधर देखता है, इधर कुछ ना कुछ तो होगा ही। हे भैया एक मिनट यार, यहाँ पर है क्या? लेकिन भैया इसे मत हाथ लगाइएगा। ओए मैं नहीं लगाऊंगा, टेंशन मत ले। हे भैया ये अंदर क्या है यार? ओए ये क्या मुन्ना, कुछ पंख जैसा टंगा हुआ है। हे भैया कहीं ये फ्लायर की पावर तो नहीं है, जो कि भैया सुपर एटलस की सेकंड पावर है? ओए तो मुन्ना हम लोग किस बात का देर कर रहे हैं, जल्दी से हम लोग को इस पावर को लेना पड़ेगा। हाँ भैया जल्दी से पहले स्केच को तोड़िए यार। ओए तोड़ रहा मुन्ना, तू टेंशन मत ले, बस इसको एक मिनट में तोड़ दूंगा अपने 2.5 किलो के हाथ से। ओए हे भैया तो वेदर ड्रैगन ने ये पावर यहाँ पर संभाल कर रखी थी? ओए बिल्कुल सही कहा, ड्रैगन से छीनने के बाद शायद उसने ये पावर एकदम सेफली जगह पर रखने की कोशिश की थी और ये पावर हम लोग को यहाँ पर मिल गई। ओए हाँ भैया वैसे बात तो आपने सही कही। हे भैया यार हम लोग का सामान कहाँ पर होगा यार? एक बार वो सामान मिल जाए ना तब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मुझे इसको तोड़ने दे। ओए टूट गया मुन्ना। हे भैया बहुत बढ़िया यार, एकदम भैया आवाज नहीं करिएगा। ओए पहले इस पावर को उठाते हैं। ओए मुन्ना क्या बात है, ये वही पावर है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ भैया ये सुपर एटलस की सेकंड पावर है जिसका नाम है भैया फ्लायर। ओए क्या बात है, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? हे भैया यार उसको जानने का भी वक्त नहीं है, इसमें देखता हूँ क्या है। हे भैया ये तो हमारा ही आर्मर है यार। ओए तो मुन्ना हम लोग का सामान तो यहीं पर था। हाँ भैया जल्दी से ले लीजिए यार, इससे बढ़िया बात क्या है, इसमें भी होगा। ओए मुन्ना मिल गया खाने पीने का सामान। हे भैया शोर कम कीजिए यार। ओए ठीक है, और जल्दी सामान लेते हैं। हाँ भैया जल्दी सामान लेते हैं, और भैया इस पावर को उठा के यहाँ से निकलते हैं ड्रैगन को बचा के। ओए चल ठीक है, लेकिन ड्रैगन होगा कहाँ? हे भैया वो तो हमें ढूंढना पड़ेगा यार कि ड्रैगन आखिरकार है कहाँ पर। तुझे पता है क्या, मालिक की गद्दी में बैठने का फील ही कुछ अलग होता है, वो भी प्रेम से, तभी तू हम लोग के मालिक है। अबे पगले वहाँ तो उतर जा, नहीं तो मालिक आ गए तेरी बैंड बजा देंगे। अबे पागल किसे बोला, पागल होगा तू।
मालिक अभी नहीं आएंगे क्योंकि मालिक गए हैं बाकी ड्रैगन्स को ढूंढने के लिए जो कि अभी बचे हैं। और वो वही ड्रैगन है जो ड्रैगन वॉर के दौरान बच गए थे। क्यों ड्रैगो, मैंने सही कहा ना? दिमाग मत खराब कर, अपना काम कर। तेरे मालिक उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अबे ड्रैगो, तू लगता है अभी मालिक को जानता नहीं है। मालिक हमारे लाखों में एक है, वो उन्हें ढूंढ निकालेंगे। अरे ड्रैगो, तू हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहता है? हमेशा गुर्राता रहता है, वो भी प्रेम से। कभी प्रेम से भी रहकर दे, काफी मजा आएगा, वो भी प्रेम से। तू पहले इधर से उतर, नहीं तो प्रेम से रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो भैया यार, आर्मर पहन लिया है? और मुन्ना, हम लोग पहले जैसे बन गए हैं। ओए तो भैया, हम लोग अब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ओए क्यों नहीं मुन्ना, लेकिन उन ड्रैगन से बच के हम लोग को जाना पड़ेगा। हाँ भैया वो तो है। चलिए भैया, पहले हम लोग फ्लायर की पावर तो ले ले। ओए ये आ गई पावर। ओए फाइनली मिल गई सुपर एटलस की सेकंड पावर। ओए ओए मुन्ना, इसको टच नहीं करना। हाँ भैया, इसका काम तो मैं बताऊंगा क्योंकि इसका काम ही पड़ने वाला है। ओए चल, अपने दिल्लू को आजाद कर लेते हैं। ओए दिल्लू, तू टेंशन मत ले, हम तुझे यहाँ से छुड़ा कर ही रहेंगे। तुम लोग कितने अच्छे हो, तुम लोगों ने दिल्लू को एक बार फिर से बचा लिया। ओए दिल्लू टेंशन मत ले। चलो दिल्लू, अब तुम्हें भी हमारा एक काम करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम लोग ड्रैगो को बचाने वाले हैं। ओए मुन्ना, लेकिन ड्रैगो होगा कहाँ पर? हे भैया, अभी ढूंढते हैं ना यार। पहले यहाँ से दिल्लू को तो आजाद कर ले। ओए चल ठीक है। ओए ये हो गया दिल्लू आजाद। ओए दिल्लू चल, तू तो फ्री हो गया। ओए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम यहीं पर रहना दिल्लू, जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं ना। ठीक है, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। चलिए भैया, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। हे भैया, मुझे एक और जेली दर दिख रही है। ओ इसमें कौन होगा? ओ ये क्या मुन्ना, मुझे तो इसमें ड्रैगो दिखा। हे भैया, सच में आपने ड्रैगो को देखा क्या? ओ मुन्ना बिल्कुल, अभी दिखाता हूं, रुक जा। हे भैया एकदम संभल कर यार। और वो देख ड्रैगो है। ओए ड्रैगो इधर देख। ड्रैगो यार इधर देखो, हम लोग आ चुके हैं। ओए मैं इधर देख लेता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा मैं। हे भैया, लगता है इन लोगों ने ड्रैगो को मारा यार। ओए मुन्ना, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। हे भैया, इस समय बदला लेने का टाइम नहीं है यार, यहाँ से हम लोग किसी तरह से भागना यार, क्योंकि भैया आपको पता ना सुपर एटलस की पावर है हमारे पास। हे ड्रैगो यार, उठ जाओ जल्दी से। मालिक, आप लोग यहाँ पर थे? हाँ ड्रैगो, और हम लोग एकदम सेफ भी है यार, तुम चिंता मत करो। अरे मालिक, आप लोग को यहाँ से चले जाना चाहिए। ओए ड्रैगो, तुझे बिना बचाए नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ से। चलो ड्रैगो, तुम यहीं पर रहना, हम लोग तुम्हें बचाने का कुछ ना कुछ आइडिया लगाते हैं। ओए चल मुन्ना, अब जल्दी चलते हैं। मालिक ऐसा मत करिए। ओए ड्रैगो तू चुप रह। ओए चल दिल्लू, आप तेरी मदद करने का समय आ चुका है। ओए मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ अपने दोस्त ड्रैगो को बचाने के लिए, क्या करना है आखिरकार? दिल्लू मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। बस थोड़ा सा तुम्हें आगे ले जाते हैं, फिर उसके बाद तुम यहीं पर रहना और मैं भैया एक काम कर कराता हूँ। क्या करेगा भैया? कुछ नहीं, बस धमाका करना है। ओए मैं समझ गया, तोड़ दूंगा। हे भैया धमाका हो गया, जल्दी से भागे यहाँ से। ओए चल दिल्लू जल्दी चल। हे भैया, हम लोग को जल्दी से ड्रैगो को पहले खोलना पड़ेगा। अरे भाइयों, ये क्या हो रहा है? हमला करो मिलकर, वो भी प्रेम से। जाने ना पाए ये लोग। हे ड्रैगो यार, हम लोग तुम्हें बचा लेंगे। मालिक आप लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी से यहाँ से निकलो। और दिल्लू यहाँ से कैसे आया? हे ड्रैगो यार, दिल्लू यहीं पर फंसा हुआ था जिसको हमने बचा लिया। फिर से मार दिया। ओए इनको नहीं छोड़ूंगा। दिल्लू तुम मालिक को लेकर निकलो। नहीं यार ड्रैगो, हम तुम्हें नहीं छोड़कर जाएंगे। हम लोग तुम्हें यहाँ से आजाद करके जाएंगे। चलो ड्रैगो अब जल्दी से उड़ चलो। दिल्लू जल्दी से आ जा, हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ ड्रैगो, जल्दी से भागते हैं यहाँ से। आज ये लोग बच के ना जाने पाए, नहीं तो मालिक हम लोग को नहीं छोड़ेंगे। ओए चल तू निकल ले पहले। ओए ड्रैगो जल्दी से हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। हाँ मालिक, मैं बस चल ही रहा हूँ और पोर्टल बस पास ही में है। ड्रैगो जल्दी से यहाँ से निकलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मैं चल ही रहा हूँ, वो रहा पोर्टल। अरे ये क्या, इतने सारे ड्रैगन? मालिक हम इनसे निपटते हैं, और आप जाइए इस पोर्टल के थ्रू उस वर्ल्ड में, और जिस बेस में आप रहते थे उसी बेस के पास जाइए, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। लेकिन दिल्लू यार तुम्हारा क्या होगा? मालिक आप जल्दी जाइए। मुन्ना जल्दी से निकल, ड्रैगो ने बोला है तू हम लोग को वहाँ पर मिलेगा। चलिए फिर ठीक है भैया। लेकिन भैया ड्रैगो तो टेंशन ना ले, वो आ जाएगा। जल्दी भाग, नहीं तो यहाँ के ड्रैगन हम लोग नहीं छोड़ने वाले। हाँ भैया भागी तो रहा हूँ। भैया ये लोग बहुत मार रहे हैं यार। ये क्या भैया, सामने एक फायर ड्रैगन है। ओए तू टेंशन ना ले, यहाँ से हम लोग बचकर आसान से निकल जाएंगे। हम लोग को मुन्ना अपने बेस में चलना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को अपने बेस का वैसे भी ठिकाना पता नहीं होगा। हाँ भैया चलिए वहीं चलते हैं। लेकिन भैया ड्रैगो वो आ जाएगा मुन्ना, तू उसकी टेंशन मत ले, वो दिल्लू के साथ ही है। ओए चलिए ठीक है भैया, फिर चलते हैं। जल्दी से मुन्ना नीचे घुस, क्योंकि ड्रैगन को हमारे इस बेस का पता नहीं लगना चाहिए। ओए हाँ भैया आ गए नीचे। जल्दी से इसको बंद करना पड़ेगा। ओए हे भैया एक मिनट, मैं बंद करता हूँ, ये बंद कर दिया। ओए मुन्ना इसको नहीं, ऊपर वाला बंद कर, यहाँ से तो कुछ भी नहीं फायदा होगा। ओए हाँ भैया यार भूल गया था, लगता है मेरा दिमाग ही नहीं काम दे रहा। और रुक जा मैं इधर से बंद करता हूँ, सीढ़ी को तोड़ना पड़ेगा। ओए तो रुक जा तोड़ देता हूँ। ओए ये तोड़ दिया और ये लगा दिया ब्लॉक। ओए मुन्ना अब हम लोग लगता है सेफ है। हे भैया लेकिन ड्रैगो कहाँ पर होगा यार? ओए मुन्ना मैंने बोला ना, ड्रैगो और दिल्लू एक ही साथ है, और वो लोग यहाँ पर जरूर आ जाएंगे। अब हम लोग को सोना चाहिए। चलिए ठीक है भैया, फिर सोते हैं, और क्या करेंगे? लेकिन भैया मुझे चिंता हो रही है। चिंता मत कर, वो लोग जरूर आ जाएंगे। ओए चलिए भैया ठीक है, काश ऐसा ही हो। ओए मुन्ना बिल्कुल सो जाओ जल्दी से।
है भैया यार, मुझे चिंता हो रही है यार। वो लोग भैया अभी सुबह हो चुकी है, अभी तक नहीं आए। ओए मन्ना, वैसे तो उनको आ जाना चाहिए। हे भैया, कहीं ड्रैगन बॉस ने उन लोगों को दोबारा से तो नहीं पकड़ लिया? ओए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ओए भैया क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन थे यार, और भैया दिल्लू और ड्रैगो अकेले नहीं लड़ सकते थे यार। ओए मन्ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मालिक आप कहाँ पर है? मैं आ गया। हे भैया ड्रैगो की आवाज ओए ऊपर से आई, जल्दी से मना इधर सीढ़ी लगा। हाँ भैया लगाता हूँ। हे मैं भी आ गया। ओए ये तो दिल्लू की आवाज है। ओए ड्रैगो तू आ गया? हाँ मालिक, हम लोग वहाँ से बचकर आ गए और हम लोगों ने काफी ड्रैगन्स को पछाड़ भी दिया। हे ड्रैगो यार, तुम लोग सही सलामत आ गए यार, यही बहुत बड़ी बात है। ओए मन्ना, मैंने बोला था ना आ जाएंगे। ओए दिल्लू तू कैसा है? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज मैंने एक ड्रैगन को बहुत मारा। तो ड्रैगो, हम लोग को सुपर एटलस की सेकंड पावर मिल गई यार। मालिक ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मालिक हम लोग को अभी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक अभी सब ये जब बेटर ड्रैगन को पता चलेगा तो मालिक चारों तरफ फिर से ड्रैगन फैल जाएंगे हम लोग को ढूंढने के लिए। लेकिन तब तो हम लोग उनसे नहीं बच पाएंगे क्योंकि वो बहुत सारे हैं। हे ड्रैगो, लेकिन बेहतर ड्रैगन तो वहाँ पर था ही नहीं यार, हमने देखा था अपनी आंखों से। मालिक वो वहाँ पर नहीं था, इसीलिए तो हम लोग वहाँ से निकल पाए, क्योंकि वो बाकी ड्रैगन को ढूंढने गए हैं जो कि ड्रैगन वॉर के दौरान बच गए थे। पूरे ड्रैगन वर्ल्ड में मच चुकी है तबाही। ड्रैगन का सरदार वेदर ड्रैगन आ चुका है फिर से वापस। मालिक ड्रैगो भाग चुका है, और साथ में वो दो बिल्लो के साथ साथ ड्रैगो का दोस्त टिल्लू भी भाग चुका है। क्या भाई, मेरी मौजूदगी पर ना होने पर ये तुमने क्या कर डाला? मैं तो कहता हूँ मालिक, हम लोग अपने ड्रैगन को चारों तरफ भेज देते हैं, और जहाँ भी ड्रैगो और ड्रैगो को दोस्त मिले और उनको वहाँ से खत्म करने का आदेश दे देते हैं। मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मांगी, निकल जाओ यहाँ से। माफ करिएगा मालिक, मैं अपने ओहदे को गया। ड्रैगो अब तू जहाँ भी है तू बचने नहीं वाला, कब तक खैर मनाएगा अपनी? मैं तुझे किसी ना किसी दिन ढूंढ जरूर निकालूंगा, और फिर अपने इन्हीं हाथों से तुझे मार दूंगा। तो ड्रैगो यार, हम लोग को संभल कर रहना चाहिए, और हम लोग को भैया अब अपने तीसरे सुपर एटलस की पावर को ढूंढने में लग जाना चाहिए। ओए मन्ना बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम लोग को उन पावर को डीमंस के हाथ लगने से पहले ढूंढना पड़ेगा। ओए जो कि हमारे पास दो पावर आ चुकी है, तो हम लोग को अब तीसरी पावर को ढूंढने में ध्यान लगाना चाहिए। ओए हाँ भैया वो तो है, और ड्रैगो अब तुम लोग भी संभल कर रहना, क्योंकि ड्रैगन अब तुम्हें ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले।